चांदपुर क्षेत्र में हाईटेंशन विद्युत लाइन से निकले करंट की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना चौधरी गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव निवासी 28 वर्षीय मुनीर अपने घर के बाहर खड़े पॉपुलर के पेड़ पर चढ़कर टहनिया झांग रहा था, तभी पास से गुजर रही 11,000 की हाईटेंशन लाइन अचानक टूटकर पेड़ पर गिर पड़ी, जिससे मुनीर करंट की चपेट में आ गया। हादसे के बाद मुनीर को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि हाईटेंशन लाइन को लेकर कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। मेरा नाम संसार है। ये है, 3-4 वर्ष से लाइट गायब थी। उसकी लैंडमैन से कोशिश करी बुलाने की, तो उसने कहा कि भाई मैं जब तक ये पेड़ नहीं झकने का तब तक लाइन नहीं जोड़ पाने का। तो आज लड़का नसीम जो वहाँ मौजूद था उसको बुला करके घर से लेकर गया कि इस पेड़ को झांक दो, क्योंकि जो भी पैसा होगा मैं दिलवाऊंगा जी। पेड़ झांकने की मजदूरी पर लेकर गया और मैंने सिट डाउन ले लिया, लेकिन सिट डाउन नहीं था, बिजली उसमें मौजूद थी। लड़का पेड़ पे चढ़ा और वो नीचे गिर गया, बिजली से पेड़ में आकर लड़का ख़त्म हो गया। बिजली 11,000 की लाइन से। किसकी लापरवाही मान रहे हैं? बिजली वालों की पूरी लापरवाही है। बिजली वाले 4 दिन से तार नहीं जोड़े, तार जोड़ने को कहते हैं तो पैसा और मांगे, पैसे तो 200 रुपये लगेंगे, 500 रुपये लगेंगे, तब ये तार जुड़ेगा। जब पहले वो शहरी लोग ये, इसका नाम नसीम था, ये चुंदड़ी का शायद रहने वाला था, तो ये मृत अवस्था में ही आया था, इसको बिजली से पकड़ लिया था शायद, तो प्राथमिक सूचना पुलिस को दे दी गई थी और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये घटना चौधरी गांव में सुबह मुझे मालूम चला कि चौधरी गांव में कोई हादसा हुआ है, तो उसमें बताया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के या बिना किसी शटडाउन के मृतक हैं वो लाइन पे पेड़ काटने के लिए पेड़ चढ़े थे, वो पेड़ की डाली पास से गुजर गई, लाइन पे टच हुई, जिससे ये हादसा हुआ। तत्काल इसके लिए नीचे एसटी को और अभियंता को अवगत करा करके इसके लिए भेजा गया था, और उनके जो पेपर की कार्रवाई है वो उसकी कार्रवाई की जा रही है, जाँच है तो पेपर सुरक्षा हिसाब है वो भेज दिया गया है पेपर, और उम्मीद है कि इसी हफ्ते में इसकी जाँच पूरी हो जाएगी। सर ये भी तो बताया जाता, सर ये आरोप लगाया कि लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ, सर 3 दिन से लाइट नहीं आती गांव में, सर ये तार टूटा पड़ा था। गाँव वालों द्वारा मुझे बताया गया कि ये लाइन 3 दिन से बंद थी, हालांकि जो संग्रहकर्मी है या विभाग के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, वो बिना पूर्व सूचना के ही पेड़ पर गए थे, इससे हुआ था और उसी दौरान तार टूटा, तो इसकी भी जाँच की जा रही है, जाँच करनी।